हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सिंह फ्रॉम उड़ीसा संबलपुर से। और आज देखिए, हम अपने आए हैं LNT 770 मशीन में। ये मशीन का प्रॉब्लम है बूम ऑटोमेटिक डाउन हो जाना, तो आज आपको दिखाएंगे ये बूम कि आज हम आपको बताएंगे ये किस कारण से डाउन हो रहा है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करके भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले ये लोग सर्किट चेंज कर लिए, स्पूल रॉड वगैरह चेंज कर लिए, बहुत सारा आइटम लोग चेंज करके देख चुके हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। मैं आपको ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा। आज मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो कि इससे पहले किसी ने बताया नहीं होगा, या उनके पास नॉलेज नहीं होगा इसलिए वो नहीं बताए होंगे, नॉलेज की कमी होगा, या नहीं तो जानबूझ करके कोई बताते नहीं है इस प्रॉब्लम को, मतलब सामने लाते नहीं है कि लोग सभी आदमी सीख जाएंगे। देखिए, ये जो छोटा छोटा जो लगा हुआ है इसको ARB बोलते हैं, और यहाँ पे 4 ARB ऊपर में और 4 ARB नीचे फिटिंग होता है, और इसका काम है प्रेशर मेंटेन करके रखने का। और आपको आज वो दिखाएंगे ARB को रिपेयर कैसे करते हैं। ARB के वजह से ये मशीन जो है बूम डाउन हो रहा था, तो आपको दिखाएंगे कैसे रिपेयर करते हैं। ये देख लीजिए, नीचे में भी 4 ARB लग रखा है, ये नीचे साइड से देखिए, ये देखिए नीचे में भी ये 4 ARB बूम बकेट स्टिक स्विंग स्टेपलाइजर के लिए ARB नहीं होता है। स्टेपलाइजर में डायरेक्ट मेन प्रेशर ही वहाँ पे काम करता है, जो MRV से जो डायरेक्ट प्रेशर आता है उसी प्रेशर पे स्टेपलाइजर काम करता है। बाकी वो सभी सिलेंडरों में ARB लगा होता है, बूम बकेट स्विंग और डीपर। आज आपको वो बूम का ARB जो है वो रिपेयर करके दिखाएंगे कैसे बूम का ARB को रिपेयर करते हैं। ये देखिए, ऊपर का ARB को खोल चुके हैं, ये ऊपर का ARB खोलने के बाद वो देखिए अंदर में कुछ है नहीं, अंदर में गैलरी और पोर्ट बना हुआ है, उसी गैलरी से ऑयल आता और जाता है और वहीं पे प्रेशर मेंटेन होकर के रहता है, जो कि ARB का काम है ऑयल को रिलीज करना, एक्सॉलरी रिलीफ वाल्व उसको बोलते हैं। और ये ARB जो है ना, ये देखिए इस टाइप का ARB लगा होता है, इसको बोलते हैं एक्सॉलरी रिलीफ वाल्व, इसका फुल फॉर्म है एक्सॉलरी रिलीफ वाल्व। और देखिए, इसको खोलने के लिए मैं बताऊंगा कौन कौन सा पाना इसको यूज करते हैं। देखिए, इसको डिसमेंटल करने के लिए एक 27 mm का स्पिनर होना चाहिए, और दूसरा एक 22 का स्पिनर होना चाहिए, 3 नंबर 17 नंबर का एक रिंग पाना इसके सहायता से इसको खोल लेते हैं। और खोलने के बाद जो है अंदर क्या क्या निकलेगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो देखिए, इसको खोलने के लिए 27 नंबर का यहाँ पर स्पिनर लगेगा, फ्लैट स्पिनर बोलते हैं या डी स्पिनर बोलते हैं इसको, और 22 नंबर का ये से इसको खोल दिए। ये खोलने के बाद अंदर में देखिए क्या निकलता है, अंदर में कुछ नहीं है। ये इसके अंदर में ये स्प्रिंग है, डबल स्प्रिंग ये निकलता है, डबल स्प्रिंग होता है, और एक पोपेट है, पोपेट वाल्व, इसको पोपेट वाल्व बोलते हैं, और ये सील है, बस इतना ही होता है इसके अंदर में। और एक आपको आइटम दिखाते हैं जो कि यहाँ इसको 22 नंबर से लॉक करेंगे और 17 नंबर से इसको ओपन करेंगे, खोलते हैं। ये देखिए, ये जो है मेन प्रेशर कंट्रोल करता है यही, इसको प्रेशर रिलीफ वाल्व बोलते हैं। ARB का मतलब क्या होता है आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, एक्सॉलरी रिलीफ वाल्व। एक्सॉलरी वाल्व तक जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को ही कंट्रोल करता है, अगर वो प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया जाए तो बूम बकेट स्टिक जिस जगह भी प्रेशर पड़ रहा हो डैमेज हो सकता है, इसलिए वहाँ पे रिलीफ वाल्व एक लगा होता है, जिस रिलीफ वाल्व को हम ARB बोलते हैं, एक्सॉलरी रिलीफ वाल्व। अगर इसी ARB को मेन कंट्रोल वाल्व में लगा दें मेन जगह पे, यही ARB जो है उस जगह पे MRV का काम करेगा। ARB और MRV दोनों एक ही फंक्शन एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर लगता है तो अलग अलग ये फंक्शन काम करता है।
फिर इसको ऐसे सफा करेंगे, सफा करके फिर इसको फिटिंग कर देते हैं। इसका ओरिंग वगैरह दब गया, ओरिंग को चेंज करेंगे। ये वॉश करने के बाद ये जो ओरिंग था, ये ओरिंग खराब हो गया था, ये ओरिंग को चेंज कर दिए हैं। ये ओरिंग को चेंज करने के बाद देखिए कैसे फिटिंग करते हैं। ये पोपेट को सबसे पहले इसके अंदर पूरा क्लीन करके इसको अंदर डालते हैं पोपेट को। ये पोपेट वगैरह फिटिंग होने के बाद इसके ऊपर स्प्रिंग डालेंगे। ये छोटा वाला स्प्रिंग जो है, ये देखिए छोटा वाला जो स्प्रिंग है, ये इसको डालते हैं। और काफ़ी सावधानी इसको बैठाना होता है, बहुत ही ये में अगर ये थोड़ा इधर उधर फिटिंग हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जिस जगह पे ये लगा है उस चीज़ को ये डैमेज कर देगा। और इसके लिए मैं एक चीज़ का सलाह दूंगा कि बिना एक्सपीरियंस का आप इसको खोले नहीं, जब तक से आपको फुल नॉलेज ना हो जाए इसके विषय में। ये देखिए ऐसे वर्क करता है, ये जो है ना पिन ऐसे वर्क करता है। जब भी आप इसको खोले, किसी एक्सपर्ट को साथ में रखेंगे तभी आप इसको खोलिएगा। और मैं तो यही सलाह दूंगा कि बिना एक्सपर्ट के आप इसको कभी खोलते ट्राई नहीं करें, नहीं तो जिस सेक्शन में लगा उस सेक्शन में डैमेज कर देगा। ठीक है, आपका वो कंप्लीट हो चुका है यार जी। ये इसको भी लॉक कर दूंगा, ये भी दिलाता है। देखिए अभी आरबी को रिपेयर करके फिटिंग कर चुके हैं, तो अभी चेक करेंगे बूम का अपना क्या पोजीशन है और बूम डाउन हो रहा है या नहीं। इससे पहले तो बूम डाउन हो रहा था, हमारे समझ तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया होगा। तो ऑपरेटर भाई थोड़ा मशीन स्टार्ट कीजिए और चेक कीजिए बूम का क्या पोजीशन है, बूम डाउन हो रहा है या नहीं। और देखिए अभी तो बूम डाउन होना बंद हो चुका है, बूम अभी डाउन नहीं हो रहा, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अगर हमारा नॉलेज आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले समय में आपको इससे भी बेहतरीन नॉलेज मैं देने वाला हूं, और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कि शायद ही आपने कभी देखा या सुना होगा। और इस टाइप का नॉलेज तो बहुत कम लोग ही देते हैं वीडियो पे, क्योंकि आरवी रिपेयरिंग का, हाइड्रोलिक पंप रिपेयरिंग का वो लोग आधा अधूरा वीडियो दिखाते हैं और केवल बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन अपना ऐसा काम नहीं है।